हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैक्स पेयर्स के लिए अपडेटेड टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ रही है। तो जिन टैक्स पेयर्स ने अब तक असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेट रिटर्न फाइल नहीं किया है, वो हर हाल में इसे फाइल कर दें। अन्यथा की स्थिति में टैक्स पेबल और ब्याज पर अतिरिक्त बढ़ा हुआ टैक्स जुर्माने के रूप में चुकाना पड़ सकता है। वहीं आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए भी अपडेट रिटर्न फाइल करने का मौका भी टैक्स पेयर्स को दिया है। तो आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को बिलेटेड आईटीआर, रिवाइज्ड और अपडेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट दी थी। अब आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए करदाताओं को सचेत किया है और आयकर विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर भी जारी करते हुए लास्ट डेट भी बताई है। जो असेसमेंट ईयर 2020-21 की लिए अपडेट रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है और हाईएस्ट टैक्स पेमेंट से बचने के लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 का भी लास्ट डेटेड रिटर्न 31 मार्च 2023 तक दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट 1961 की सेक्शन 139(8)(a) के अनुसार कोई भी टैक्स पेयर किसी भी एडिशनल इनकम की रिपोर्ट करने और उस पर संबंधित टैक्स का भुगतान करने के लिए एक अपडेट डिटेल्स दाखिल कर सकता है। तो टैक्स पेयर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, भले ही उन्होंने ओरिजिनल या रिवाइज या बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं किया हो। टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को चेतावनी देते हुए सचेत किया है कि निर्धारित डेट तक जो भी टैक्स पेयर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या डिफॉल्ट या अग्रिम टैक्स पेमेंट में देरी करते हैं, उन्हें अतिरिक्त बढ़ा हुआ टैक्स जुर्माने के रूप में देना पड़ जाएगा। तो ऐसे करदाताओं से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट 1961 के सेक्शन 140(b) के तहत निर्धारित देरी के लिए देय ब्याज का भुगतान करना होगा, जो टैक्स और ब्याज का 25% या 50% हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।